हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं श्री कृष्णा जी का पूरा ड्राइंग कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट का और रेफरेंस पिक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और गाइज, अगर डिस्क्रिप्शन की तरफ जा ही रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर से कर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी जरूर से कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो ड्राइंग में वापस आते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली पोर्शन ब्लू कलर की मदद से श्री कृष्णा जी का बाकी जो भी बॉडी पार्ट बाकी है कलर करना, उसकी डार्क वैल्यू उस पर मैं शेडिंग कर लूँगा। यहाँ पर आप लोग देख लो कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ पोर्शन ब्लू कलर की मदद से। डार्क वैल्यू उस पर तो पोर्शन ब्लू से शेडिंग कर भी रहा हूँ और उसके साथ साथ मीडियम टोन में भी शेडिंग कर ले रहा हूँ, लेकिन हल्के हाथ से शेडिंग किया हूँ। और जो भी हाइलाइटेड एरियाज है उस जगह को मैं यहाँ पे छोड़ के शेडिंग किया हूँ। तो पोशन ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद जो भी मिड टोन्स है उसके ऊपर मैं मीडियम प्रेशर अप्लाई करके वॉयलेट कलर से शेडिंग कर लूँगा, और जो भी हाइलाइटेड एरियाज है उस एरिया पर हल्के हाथ से शेडिंग कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं वॉयलेट कलर की मदद से कहाँ कहाँ पे किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो दोनों कलर से शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे हाइलाइटेड एरियाज के लिए सिंपली वाइट कलर से ही शेडिंग कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं वाइट कलर से कहाँ कहाँ पे हाइलाइटेड एरियाज पे शेडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो सारी कलर से शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, एकदम मीडियम प्रेशर अप्लाई करके, ना ज़्यादा मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और ना ही हल्के हाथ से कर रहा हूँ, मीडियम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ जिससे कि कलर एकदम अच्छी तरीके से उभर के आए। तो आप लोग देखो। ओके, तो गाइस फर्स्ट लेयर पे ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब हमें सिंपली सेकेंड लेयर पे कलर करेक्शन करना है। तो आप लोग देखो मैं वाइट कलर की मदद से किस तरीके से कलर करेक्शन कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ पे हाइलाइटेड एरियाज को और ज़्यादा हाइलाइटेड बना रहा हूँ, तो आप भी वैसे ही करना। और शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉटन बर्ड की मदद से उस वाइट कलर को एकदम हल्के हाथ से यहाँ पे ब्लेंड कर ले रहा हूँ। तो आप लोग देखो। ओके, तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब बारी है डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे कैमल का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। इससे क्या होगा, इससे आपका आर्टवर्क मेरी तरह ही अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम सही जगह पे जहाँ पे होना चाहिए उसी जगह पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से डिटेलिंग किया है। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ पे किस तरीके से डिटेलिंग कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली मीडियम येलो कलर की मदद से श्री कृष्णा जी की हाथ पे जो कपड़ा है उसकी हाइलाइटेड एरियाज पे और येलो ऑकर कलर की मदद से उसकी डार्क एरियाज पे अच्छी तरीके से यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग शेडिंग कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे मीडियम येलो और डीप येलो कलर की मदद से श्री कृष्णा की हाथ में जो बांसुरी है और जो अंगूठिया है उस पर भी शेडिंग करके इन दोनों कलर को एक कॉटन बर्ड की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो। ओके, तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद कपड़े की एज में रेड कलर से और बांसुरी के ऊपर ब्राउन कलर से शेडिंग करके इन दोनों को एक बार अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा। और ब्लेंडिंग हो जाने के बाद बांसुरी के ऊपर कैची की मदद से स्क्रैच करके और कपड़े के ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस अब मैं यहाँ पे श्री कृष्णा जी के गले में जो माला है उस माला में कहाँ कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ
कौन से फ्लावर के लिए कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, और आप भी वैसे ही करना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे माला पे फ्लावर्स को डिज़ाइन किया है। इससे बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा माला में। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो गाइस सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब बाकी है बैकग्राउंड को शेड करना। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे श्री कृष्णा जी की हेड के अराउंड वाइट कलर से पहले एक सर्कल की एरिया में शेडिंग कर लूँगा, उसके ऊपर मीडियम येलो कलर से शेडिंग करके इन दोनों कलर को एक बार अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो। ओके तो गाइस अब मैं यहाँ पे बाकी पूरी बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग करके दोनों कलर को एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर और पर्पल कलर का जितना शेड होता है उन सारे शेडों की मदद से, शेड से मेरा मतलब है जितने कलर शेड्स है उस सारे कलर की मदद से अब मैं यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रोक दे करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना लूँगा। उसके साथ मैं वाइट कलर से भी थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऐड करूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और ब्लू कलर में सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे रेड, ऑरेंज, वर्मिलियन और डीप येलो कलर की मदद से जो येलो एरिया है उस पर भी शेडिंग कर लूँगा, और थोड़ा बहुत वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा। ओके तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।